हेलो दोस्तों, भारत अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। आज है 7 जुलाई 2024 और आज की 7 अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहां पर आ चुका हूं। चलिए शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। तो सबसे पहले बता दूं एसपीयू डेट शीट के बारे में। दोस्तों, बहुत दिनों से आपके कमेंट्स आ रहे थे कि एसपीयू डेट शीट नहीं आ रही, तो पिछले कल डेट शीट आ चुकी है, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी बनाई है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को चेक कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आपको वीडियो में बताया गया है कहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो ये रही हिमाचल में मॉनसून के पहले 10 दिनों में सामान्य से 82% अधिक बरसे बादल। पंडोह डैम से एक सेकंड में छोड़ा जा रहा है 12725 क्यूसेक पानी। ब्यास के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों से नदी किनारे ना जाने की अपील। तो 106% अधिक बारिश हुई 1 से 6 जुलाई तक। नेक्स्ट अपडेट ये रही आयकर विभाग की रेड, लोकरों से आभूषण निकलवा करवाई पेमाइश। नादौन में कारोबारियों पर तीसरे दिन भी कार्रवाई। नेक्स्ट अपडेट ये रही नीट यूजी की काउंसलिंग अगले आदेश तक टली, शनिवार से शुरू होनी थी, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नेक्स्ट अपडेट ये रही मणिमहेश यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू, तो 26 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक ये यात्रा जो है चलेगी। इसके लिए पंजीकरण जो है आपको करवाना पड़ेगा और उसके बाद ही आप वहाँ पर यात्रा करने के लिए जा पाओगे। नेक्स्ट अपडेट ये रही नर्सिंग पैरामेडिकल की प्रवेश परीक्षा आज। तो प्रदेश में आज बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी, बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। इस परीक्षा में प्रदेश भर के करीब 7600 अभ्यर्थी भाग लेंगे और ये परीक्षा प्रदेश भर के करीब 1300 केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी। इसके अलावा एमडीएस की काउंसलिंग के लिए आवेदन 11 जुलाई तक आवेदन आप कर पाओगे। नेक्स्ट अपडेट ये रही आईटीआई में प्रवेश के लिए आवेदन 11 से 22 जुलाई तक 3 चरणों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करेगा विभाग। 31 जुलाई को पहले, 20 अगस्त को दूसरे चरण की सीटों का होगा आवंटन। तो ये आईटीआई की अपडेट है आईटीआई वालों के लिए भी। इसके अलावा दोस्तों, कल भी मैंने बहुत सारे नोटिफिकेशन अपलोड किए हैं वीडियो में, ठीक है, तो उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। काउंसलिंग शेड्यूल है ना, और डेट्स में चेंज भी हुआ है, कौन कौन सी डेट को पहले एग्ज़ाम होना था आपका, अब कब होगा, तो वो भी मैंने बताया हुआ है। अपने हो सकता है मिस कर दिया हो तो इससे प्रीवियस वीडियो देख लेना, इससे पिछले वाली वीडियो आप चेक लेना एक बार ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है, उसमें पूरा बताया हुआ मैंने, ठीक। नेक्स्ट अपडेट ये रही कल रिजल्ट की तैयारी, 14 कॉलेजों ने प्रैक्टिकल के अंक नहीं किए अपलोड। बीए अंतिम वर्ष का निकालना है परिणाम, एचपीयू ने अपलोड के लिए जो है आज शाम का तक का दिया है समय। इसके अलावा बीसीए और बीबीए के अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम जो है घोषित हो चुके हैं। तो बीए के रिजल्ट की बात यहाँ पे हो रही है, बीए फाइनल ईयर की, तो उसके लिए कल रिजल्ट आपका आ सकता है। 14 कॉलेजों ने प्रैक्टिकल के अंक अभी तक जमा नहीं किए हैं, अपलोड नहीं किए हैं, और आज शाम तक का इनको टाइम दिया गया है अपलोड करने के लिए, कल आपका रिजल्ट आ सकता है। इस हिसाब से तो आ ही जाएगा जैसे कि उन्होंने यहाँ पे कहा है। ओके, तो यही दोस्तों आज की अपडेट्स। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।